और वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. फॉर टुडेज वीडियो, एज यू हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, आज हम जा रहे हैं लाजपत नगर एक्सप्लोर करने. सो दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टू लाजपत नगर. तब मैंने व्लॉग नहीं किया था, आपको याद होगा. मैं कुछ टाइम पहले, इट्स बीन अ ईयर ऑलमोस्ट, मैं दिल्ली आई थी तो मैं सरोजनी नगर गई थी और सरोजनी नगर का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि मैंने क्या क्या खरीदा. बेसिकली इट्स हॉल सॉर्ट ऑफ अ वीडियो, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो अभी एकदम बहुत सारी लॉट ऑफ ट्रैवलिंग हो रही है, उसकी वजह से मेरी स्किन भी देखो कितनी ज्यादा खराब हो रही है, कितने सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मुझे. सो बेसिकली फॉर एन इवेंट आई केम टू डेली, यू गाइज नो इट, गूगल ऑफिस ने मैं बुलाया था तो मैं इवेंट में आई थी. उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश गई फॉर माई बर्थडे ट्रिप, फिर मैं वापस घर गई, देन आई वेंट टू जयपुर, देन आई एम बैक टू डेली. सो इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग हैपनिंग एंड कल मैं वापस आई एम गोना लीव फॉर होम होपफुली. सो आज मैंने सोचा लाजपत नगर एक्सप्लोर कर लेते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी द टूर द स्टफ जो वहाँ पे अवेलेबल होगा. एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स. लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था. यू नो दिल्ली इज टू मी इज वेरी टायरिंग, चल चल के थक जाते हैं और फिर एक्सप्लोर करने की शक्ति खत्म हो जाती है. ट्रैवलिंग देन चलना, इट्स अ लॉट बेसिकली. एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, देखेंगे पॉपुलर स्ट्रीट फूड. यू नो आई एम अ बिग टाइम फूडी, पॉपुलर स्ट्रीट फूड वहाँ का ट्राई करेंगे. आई एम ऑल्सो क्रेविंग फॉर छोले कुलचे, तो देखते हैं हमें अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं या नहीं. तो या लेट्स गो, लेट्स explore Lajpat Nagar and I'm really excited. I hope that you're excited too. ओके, एज सून एज यू एंटर गेट पे आप बाहर देख सकते हो डोलमा आंटी के मोमोज, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. सो यहाँ पे उनका फूड कॉर्नर है जो मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं. ऑनेस्टली आई फाइंड देम सो ओवर हाइप्ड एंड काफ़ी ओकेश. एंटर करते ही आपको बॉबी टेक्सटाइल्स करके शॉप दिखेगी, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा वेराइटी ऑफ एथनिक वेयर मिलेगा जो काफ़ी ट्रेंडी है. दो तीन शॉप्स लाइन से एंड काफ़ी अच्छे अच्छे पीसेस आपको एथनिक वेयर, अगर आपके यहाँ शादी वगैरह है, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो, एंटर करते ही राइट पे आपको ये शॉप मिल जाएंगी. आप काफ़ी आगे चलोगे तो जंक ज्वेलरी, आपको ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएगी, वेराइटी ऑफ इट. ये बीड्स वाले जो ब्रासलेट्स वगैरह होते हैं 50-50 रुपीज़ में मिल जाएंगे, इयर रिंग्स मिल जाएंगे 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ में. एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड सम गुड डेंटी पीसेज दैट आर गोइंग रियली वायरल, जो ऑनलाइन आपको काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते हैं, बट आपको यहाँ नेकलेस, हैंड कफ्स एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में. एंड इनके ऊपर ऐसे प्राइस लिखा होता है 50, 100 या जितने का भी कोई प्राइस का है, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन बार्गनिंग. बट ऑलरेडी ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जैसे 50 रुपीज़ में आपको इयर रिंग्स मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे. एंड देन क्लचर्स, रबर बैंड्स, क्रंचीज, इस टाइप की भी काफ़ी वेराइटी आपको मिल जाएगी. ऑफकोर्स क्वालिटी भी डिपेंड करती है जितना उसका प्राइस होगा उसके हिसाब से. फिर ये छोले कुलचे मैंने देखे थे कि लाजपत नगर में ये अंकल बेचते हैं और बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत यू नो टेस्टी है. मैंने एक रील देखी थी तो मैंने ट्राई करके देखे, ऑनेस्टली मुझे ठीक लगे, अच्छे लगे, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. आई हैव हैड बेटर छोले कुलचे ऑनेस्टली. उसके बाद आगे बढ़ते हुए शॉपिंग के लिए, तो ये कुछ अच्छी कुर्ती दिखी मुझे 250 रुपीज़ में, काफ़ी सारे कलर प्रिंट साइजेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे. इसी शॉप पे मेंस वेयर भी था, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी यूनिसेक्स टी शर्ट्स मिल जाएंगी ओवर साइज़ वाली, बेज, ब्लू, वाइट, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं. 250 रुपीज़ में आपको ये भी मिल जाएगा. शॉप पे मेंस शर्ट्स, टी शर्ट्स, सब कुछ अवेलेबल था. एंड देन ऑफकोर्स बहुत सारा अच्छा एथनिक वेयर कुर्ता सेट्स, कुर्तीज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चिकन करी कुर्तीज़ आपको मिल जाएंगी, कलर्स एंड ऑल द प्राइस रेंज दैट यू प्रेफर. सेट भी मिल जाएंगे आपको चिकन करी के, और अलग अलग सेपरेटली कुर्तियाँ भी मिल जाएंगी, जैसे भी आप लेना चाहते हो कलर्स एंड डिफरेंट यू नो मटेरियल्स ऑल्सो, कॉटन में भी, नायलॉन में भी, मोडाल में भी, बहुत सारी वेराइटी आती है. और फिर ये मैंने सुंदर से हैंडमेड ईयरिंग्स जो होते हैं वो देखे, बहुत ही ज़्यादा वेराइटी थी इसकी भी, कलर्स में भी अवेलेबल थे. एंड दिस वॉज फॉर 100 रुपीज़ ईच, एंड इसमें भी साइज़ वगैरह भी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल थे. एंड ये जो पैंट्स हम पहनते हैं ये फ्री साइज़ में अवेलेबल थे फॉर 350 अराउंड 350-400, डिपेंडिंग ऑन जो आप चूज़ करते हो. फिर एक शॉप पे मैं गई, राखी गारमेंट्स करके उनका नाम था, यहाँ पे मैंने ये ब्लू कुर्ती, ये ब्लैक कुर्ती देखी है. इनके पास सबसे अच्छी वैरायटी और द प्राइस रेंज भी मुझे लगा. गाइज इट्स ऑल टाइम, आई एम बैक होम. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑल द स्टफ दैट आई गॉट फ्रॉम देयर. नाउ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ आपसे अबाउट लाजपत नगर, क्योंकि मैं वहाँ दो बार जा चुकी हूँ और मैंने और भी मार्केट्स थोड़े एक्सप्लोर किए हैं दिल्ली के. तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई छोटा मार्केट चाहिए, इट्स नॉट कंपेरेटिवली, अगर आप सरोजनी से कंपेयर करो तो काफी छोटा मार्केट है. तो अगर आप अपने पैर तोड़ना नहीं चाहते हो, आपके पास कम टाइम है, या फिर आप ज्यादा बहुत ज्यादा घूमना नहीं चाहते हो, आपको फिर भी अच्छी एथनिक वेयर शॉपिंग करनी है, एथनिक वेयर
पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि लाजपत नगर में आपको वेस्टर्न वेयर कम मिलेगा, जैसे सरोजनी में आपको वेस्टर्न वेयर ज्यादा मिलेगा, एथनिक वेयर थोड़ा कम मिलता है कंपेरेटिवली। लाजपत नगर में आपको अच्छे एथनिक वेयर पीसेस मिल जाएंगे, तो अगर आप शादी वगैरह की शॉपिंग करना चाहते हो तो आप सरोजनी स्किप करो, आप लाजपत नगर जाओ। या आपको छोटा मार्केट घूमना है, आपके पास कम टाइम है, आपको ज्यादा नहीं घूमना है, पैर नहीं तोड़ना है, तो आप लाजपत नगर जा सकते हो। हाँ, आप बार्गिन जरूर करना, प्राइसेस आपको थोड़े से हाइक करके बताते हैं, थोड़ा बहुत बार्गिनिंग कर लेंगे, लेकिन सरोजनी जितना बार्गिन वहां नहीं होता है। एंड कंपेरेटिवली थोड़ी सी किन किन चीजों में कहूंगी क्वालिटी भी काफी बेटर थी, बाकी तो इट वॉज नाइस ऐसा नहीं कहूंगी। हर टाइप की वेराइटी एंड क्वालिटी आपको लाजपत नगर में मिल जाएगी, महंगी से महंगा और सस्ता आइटम भी आपको मिल जाएगा। एंड काफी ट्रेंडी टाइप ऑफ जो आउटफिट्स होते हैं, एथनिक वेयर आउटफिट्स, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। ज्वेलरी वगैरह भी काफी अच्छी वेराइटी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट आई थिंक सारी ही चीजें लाजपत नगर में मैं कहूंगी मिल जाती हैं, बट थोड़ा सा क्वालिटी भी बेटर होती है और थोड़ा सा प्राइस भी ज्यादा होता है कंपेयर टू सरोजनी नगर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिसको मैंने पहन रखा है उससे ही शुरू कर लेते हैं। आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड टेक अ मोमेंट फॉर चिकन करी पीसेस दैट आई गॉट। आई ऑनेस्टली आई एम इन लव विद चिकन करी कुर्तीज, जहां भी मुझे दिखते हैं, कहीं भी मैं जाती हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आई जस्ट लव चिकन करी सो मच। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे चिकन करी कुर्ता ढूंढना इज अ मेजर टास्क। या तो आपको चिकन करी बहुत सारे वेराइटीज में मिलता है, यू नो वट आई मीन, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। देखने में कुछ ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है, आकर नहीं अच्छा लगता है, कभी उसका फैब्रिक खराब हो सकता है, कभी उस पर कढ़ाई खराब हो सकती है, कभी उसका फिट खराब हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन इट कम्स टू चिकन करी कुर्ती। अगर मैं अभी लाजपत नगर की बात करूं तो वहां पर तीन वेराइटी थी, एक कॉटन में चिकन करी कुर्ता था, एक नायलॉन में चिकन करी कुर्ता था, एक मोडाल सबसे अच्छा जो माना जाता है वहां पे वो उसमें चिकन करी कुर्ता था। तीनों में ही डिस्टिंग्विश करना एक मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको फैब्रिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड नॉर्मली भी जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ फॉर चिकन करी कुर्ताज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो वेबसाइट पे कौन सा मटेरियल लिखा है, कौन सा मटेरियल आ रहा है, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता। बट दिस टाइम आई रियली फाउंड समथिंग जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा व्हेन इट कम्स टू चिकन करी। सो सबसे पहले आई हैव दिस ब्लैक कुर्ता, ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी क्लासिक कॉम्बिनेशन। नाउ ये मटेरियल जो है ना ये बहुत अलग है, दिस इज मोडाल उनके हिसाब से। सो बेसिकली 500-600 रेंज के अंदर आपको ये, मैं सारे ऑल टू थ्रू आउट द लाजपत नगर बात कर रही हूँ, एक शॉप की नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी शॉप नहीं छोड़ी थी जहाँ पे मुझे चिकन करी दिखा और मैंने देखा नहीं, प्राइस नहीं पूछा या फिर मटेरियल नहीं पूछा, ठीक है। सो ऑल ओवर द मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो कॉटन के चिकन करी कुर्ता थे वो आपको 500-600 की प्राइस में मिल जाएंगे, फिर ये जो नायलॉन वाले मिल रहे थे वो 700-800 की प्राइस में मिल जाएंगे, एंड 900 तक भी लोग बोल देते हैं। सो मोडाल आपको जो मिल रहा था मुझे वहाँ वो 1200 की प्राइस पे था, मोस्टली शॉप्स पे यही प्राइस था, थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे तो आप कम कर लेंगे। मैंने बहुत सारी शॉप्स पे ढूंढने के बाद राखी गारमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको क्लिप में भी दिखाया था, वहां से मैंने दो कुर्तीस पिक की, एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली, आई लव द मटेरियल, द यू नो दिस फैब्रिक इज समथिंग एल्स, इट्स नॉट नायलॉन और कॉटन फॉर श्योर, इट्स वेरी स्मूथ, लुक्स वेरी नाइस एंड बहुत कंफर्टेबल भी है। नाउ इस कुर्ती का फिट भी काफी ज्यादा अच्छा है, इट्स लाइक थोड़ा सा लूज फिट है, जैसे चिकन करी का फिट मुझे अच्छा लगता है ना, एकदम फिटेड अच्छी नहीं लगती है। लेंथ काफी अच्छी है, स्लीव्स में भी थोड़ा सा लूज फिटिंग है, द ऑल ओवर फिट, द मटेरियल समर के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा है, एंड लुक वाइज भी मुझे काफी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। यू कैन सी दिस फॉर योर सेल्फ, मैंने इसको पैंट के साथ पहन रखा है, व्हाइट पैंट के साथ। ऑफकोर्स आप जीन्स वगैरह जैसी भी चाहो स्टाइल, चिकन करी समथिंग कैसे भी स्टाइल कर सकते हो आप, अच्छे से अच्छे तरीके से मिनिमल तरीके से एकदम जैसे भी आप चाहो, बट आई लव द फिट, आई लव द फैब्रिक, आई लव द वेट, लुक्स। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, चिकन करी कुर्ती में यहाँ पे एक लाइन होती है, आपने नोटिस किया होगा, अभी नेक्स्ट कुर्ती दिखाऊंगी उसमें भी है, मुझे वो लाइन पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, सो इट बिकेम अ स्ट्रगल फॉर मी टू फाइंड अ कुर्ती जिसमें यहाँ पे लाइन ना हो, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट कलर से लाइन बहुत एविडेंटली दिख रही थी, एंड दैट इज समथिंग, ये छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के अंदर जब मैं चली जाती हूँ ना, मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है, एंड फिर मुझे परफेक्ट चीज ही चाहिए होती है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कुर्ती, बहुत सारी कुर्ती देखने के बाद मुझे फिर ये मिली जिसमें लाइन्स नहीं है यहाँ पे, विच लुक्स रेल, आप किसी भी चिकन करी में देखोगे ना आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी, जैसे इस वाली कुर्ती में है जो मेरी नेक्स्ट कुर्ती है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड लुक एट दैट कलर, इसको देखते ही ना आई वॉज
ब्लोन अवे कि भाई ये तो मुझे लेनी ही है. एंड मैंने आपको शायद प्राइस नहीं बताया. सो ये मैंने ली 1200 रुपीज की. एंड देन मैं पूरा मार्केट नहीं, एक्चुअली 1000 रुपीज की, 1200 मुझे बताया था, 1000 रुपीज की मैंने बार्गेन करने के बाद ली. फिर बहुत सारा बार्गेन करने के बाद मैंने ये 900 रुपीज की ली थी. सो 100 रुपीज का और डिस्काउंट मिल गया था बहुत ज्यादा बार्गेन करने के बाद. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. जैसे ही मैंने इस कलर को देखा, द मोमेंट आई सॉ इट, पूरे मार्केट में मैंने सिर्फ इसी शॉप पे ये वाला कलर देखा. एंड मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी, अगर आपने रील्स वगैरह स्क्रॉल करते टाइम काफी बार ये कलर मेरी फीड पे आया है. इन लाइंस की बात कर रही थी मैं बाय द वे. सो ये ब्लू पे अच्छा लग रहा है, पर ये ब्लैक पे व्हाइट से मजा नहीं आ रहा था मुझे. सो कमिंग टू दिस कुर्ती, कलर देख के आई वॉज लाइक आई एम इन लव, आई रियली वॉन्ट टू गेट इट. एंड इसका भी काफी ज्यादा अच्छा बारीक काम किया हुआ है सेम इस कुर्ती की तरह. एंड पहनने के बाद ये कलर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है. एज आई एक्सपेक्टेड दिस लुक्स 10/10. दिस कलर इज सो प्रिटी, फिट्स लाइक एनी थिंग. अगेन द फिट इज सो गुड, इट्स वेरी लॉन्ग कुर्ती. आप इसको लाइट ब्लू कलर के डेनिम जीन्स या चारकोल ग्रे वगैरह ब्लैक के साथ स्टाइल कर सकते हो. व्हाइट पैंट के साथ तो एकदम शेफ्स के स्टॉप नॉच लगेगी. एंड व्हाइट दुपट्टा डाल सकते हो आप इसके ऊपर. ब्लू से ब्लू के ऊपर जो काम किया गया है ना इस पे, बहुत 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 सुंदर लग रहा है. फिट, फैब्रिक, एवरीथिंग इज 10/10. सो ये दो चीजें, दो परचेजेस द हाइलाइट ऑफ द वीडियो यू मे से. सो एक और दो चीजें हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बट आई लव दिस सो मच फॉर द प्राइस. नो आपको ये मैंने जब ऑनलाइन देखी थी ना, एंड आई वेंट थ्रू दैट इंस्टाग्राम पेज, इट वॉज फॉर 1900 और समथिंग. एंड आई वॉज लाइक, वेन आई सॉ इट फॉर 1000 रुपीज, आई वॉज लाइक आई एम टेकिंग इट. एंड द मटेरियल इज, देयर इज नो कंप्लेन अबाउट मटेरियल, बहुत 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 अच्छा है. ओके, ये कुर्ती इसके साथ मैंने पैंट पहन रखा है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये एक फ्री साइज पैंट है एंड आई गॉट इट फॉर 350 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. द मटेरियल इज कॉटन, काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है. आई थिंक क्लिप में भी आपको मैंने ये दिखाया था. सो एक भैया खड़े हुए थे बहुत सारे ऐसे पैंट्स लेके जिनमें अलग अलग डिजाइन था, कलर वगैरह बेज से ही, व्हाइट से ही थे. एंड इसके नीचे यहाँ पे लेस डिटेलिंग दी हुई है. सो जब आप लॉन्ग कुर्ता पहनते हो और नीचे से ऐसी ये लेस बहुत अच्छी दिख रही है, जो कि क्वालिटी वाइज जब आप लॉन्ग कुर्ता पहनते हो यहाँ तक कुर्ता फॉल करता है, फिर ये जो डिटेलिंग दिखती है ना वो बहुत सुंदर लगती है और वो आपके थोड़ा ऑल ओवर लुक को एम्प अप कर देती है, विच इज समथिंग आई रियली लाइक. सो ऑलरेडी है मेरे पास एक कुर्ता जिसमें यहाँ पे ऐसे नीचे लेस डिटेलिंग है, बट वो ना थोड़ा पुराना हो गया था. सो आई थॉट कुर्ता नहीं पैंट, ऑलरेडी है मेरे पास एक पैंट जो ऐसे नीचे लेस डिटेलिंग है, वो थोड़ा पुराना हो गया था. सो आई थॉट आई वुड गेट अ न्यू वन. एंड इसकी डिटेलिंग काफी ब्रॉड है, उसकी थोड़ी सी कम थी, इसकी काफी ब्रॉड है. एंड ये जब मैं कुर्ते के साथ पहनूंगी तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हो. एंड इट ऑल्सो लिटिल बिट एम्प्स अप द लुक, बिकॉज चिकन करी में भी वो डिजाइन है, नीचे भी ये डिजाइन, फिर ऑल ओवर लुक को बहुत पुट टुगेदर. बिकॉज कुर्ता एकदम भारी भरकम वर्क वाला पहन लिया और नीचे एकदम प्लेन, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है. तो जब भी चिकन करी वगैरह के साथ आप ऐसा कुछ पहनते हो ना, तो आपके ऑल ओवर लुक को थोड़ा इनहेंस कर देता है बेसिकली. नेक्स्ट अप आया हुआ कुर्ता जो लिटरली भैया ने मुझे जबरदस्ती दे दिया, मतलब बस ले ही लो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो मैं ना जब ये पैंट देख रही थी तो बगल में एक शॉप थी, वहां पे मैंने ये कुर्ता देखा. एंड उन्होंने, मैंने पूछा कितने का है, बिकॉज ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था. एंड इसके ऊपर जो डिजाइन वर्क वगैरह भी है ना, ये वी नेक भी मुझे अच्छा लग रहा था. एंड ये जो ऑल ओवर लग रहा है प्रिंट वगैरह सब कुछ मुझे अच्छा लगा. सो मैंने कहा कितने का है, तो उन्होंने बोला 350. तो मैंने बोला नहीं 250. तो मतलब मैं थोड़ी अपनी बार्गेन स्किल्स चेक कर रही थी बस बेसिकली, अब वो मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने मुझे अपनी स्किल्स दिखा दी मुझे लग रहा है. उन्होंने बोला नहीं 350 है. मैंने कहा नहीं 350 तो मैं नहीं दूंगी. तो उन्होंने बोला 300. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 250, मतलब 250 वरना मैं जा रही हूं. तो उन्होंने बोला ठीक है. फिर मैं जाने लगी, उन्होंने बोला 280. मैंने कहा नहीं 250. उन्होंने बोला नहीं 280. मैंने कहा नहीं भाई. उन्होंने मुझे 250 में दे दिया और मुझे लेना पड़ा. और फिर जब उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है 250, तो मुझे दो बार सोचने में लगा कि क्या मैं सच में ये लेना चाहती हूँ. बट अब मैंने सोचा यार उन्होंने मुझे 250 में हाँ कर दिया, मुझे ले तो लेना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा वरना उनको. तो फिर मैंने ये ले लिया. पहनने पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिट वगैरह अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है. एंड बिकॉज ऑफ दीज लाइंस जो कि स्ट्रेट पैटर्न में बनी हुई है, ये मुझे काफी ज्यादा लंबा दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगा. इल्यूजन होगा मे बी, बट या द कलर कॉम्बिनेशन इज गुड, द फिट वगैरह इज गुड. क्वालिटी की मैं बात करूं तो 250 रुपए जैसी क्वालिटी है, ऑनेस्टली बोलूंगी. ये चीज मैंने लाजपत नगर में देखी है, जितने का प्राइस वैसी क्वालिटी. सो 250 रुपए का कुर्ता है, 250 रुपए की ही क्वालिटी है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है. बट आई वुड से कितना ही पहनेंगे हम, मतलब फॉर द प्राइस इट इज
इट वॉट इट इज की अगेन समथिंग फॉर 250 rupees. दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ से जाते ही सबसे पहले मार्केट में परचेज की थी एंड सोनली बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन. आई लव द वी नेक एंड द कलर कॉम्बिनेशन. ये ब्लू व्हाइट साथ में बहुत अच्छा लग रहा है. अभी जब मैंने इसको लिया ना, सो आई थॉट ही नॉर्मल बेसिक जो मैंने और भी पहले शॉर्ट कुर्ता वगैरह लिए हैं वैसा होगा. बट इसकी स्लीव भी गाइज लूज है थोड़ा, देखो काफी लूज लग रही है ना, जिसको बड़ा कूल सा लुक देता है. एंड ऑल ओवर इट लुक्स नाइस. मुझे लगता है व्हाइट पैंट पे तो ठीक लग रहा था, बट डेनिम वगैरह पर पहनूंगी ना तो काफी ज्यादा अच्छा लुक देगा. जैसे मैंने इसको पहना ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड द फिट इज गुड. इट्स एक्चुअली कुर्ती कुर्ती शॉर्ट कुर्ती वाइब, बट थोड़ा सा कूल सा लुक दे रहा है क्योंकि इसकी ऑल ओवर फिट भी लूज है एंड स्लीव्स भी लूज है साथ ही साथ. सो बहुत लॉन्ग स्लीव्स नहीं है. इट्स अ वेरी बेसिक शॉर्ट कुर्ती एंड फॉर द क्वालिटी आई वुड से इट्स ओके, इट्स गुड. आई मीन फॉर द 250 rupees प्राइस फैक्टर. एंड मैंने आपको क्लिप में भी लाइक वीडियो में भी दिखाया था कि काफी सारे शॉर्ट में देख सकते हो आप, कलर्स वगैरह अवेलेबल थे और भी कलर प्रिंट्स वगैरह अवेलेबल थे. एंड इसी शॉप पे काफी अच्छे टी शर्ट्स वगैरह मेन वुमेन दोनों की शॉप थी. सो फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील एंड आई will definitely be wearing it. I can see that. Okay, now moving on to the jewelry pieces I got. So, सबसे पहले तो ये jewelry piece है. I think I got it for 50 or 100 rupees. I'm not sure. I'll pop it up right here on the screen. तो इसके लिए आपको कोई bargain नहीं करना पड़ता है. Usually से stalls वगैरह लगे रहते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 50 rupees 100 rupees. तो अगर उतना लिखा है तो फिर वो लिखा है, उसके बाद आप bargain करोगे तो कोई सेंस नहीं है. सो आई एम नॉट श्योर, बट ये काफी कलरफुल सा है, काफी सुंदर लग रहा है. आप यू नो अगर मेटल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह पहनना पसंद करते हो, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. लाजपत नगर में बहुत सारी मिल जाएगी आपको. एंड ये थोड़ी कलरफुल थी. इसमें इफ यू रिमेंबर मेरे पास एक पिंक कलर का भी है, जिसमें से पूरा पिंक कलर के ही लगे हुए हैं. इसमें मल्टी कलर लगा हुआ है, तो आप किसी भी कुर्ता सेट वगैरह पे पहन सकते हो. व्हाइट पे पहनोगी बहुत सुंदर लगेगा, मैंने ब्लैक पे पहना है. काफी लाइट वेट है एंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है. फिर एक मैंने ये इयररिंग्स लिए, जिसके बारे में आप लोग काफी 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 पूछ रहे थे. मैंने पिछले वीडियो में पहना था. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. मुझे ऐसा लगता है ये वाली ज्वेलरी ग्रीन वाला जो इमराल्ड ग्रीन कलर होता है, बहुत रॉयल लगता है, बहुत क्लासी लगता है. ऑनेस्टली बोलूंगी ना जाए ऑनेस्टली बोलूंगी मैंने ये देखे ना, मुझे काफी अच्छे लगे. नाउ उन्होंने मुझे बोला आई थिंक 350 और समथिंग लाइक दैट, एंड आई सेड 150 rupees दूंगी. एंड ही वॉज लाइक भाई इतने में नहीं आता है. मैंने कहा नहीं, मैं तो उतने दूंगी, 150 means 150. सो मैं आगे बढ़ने लगी, मैं दूसरी शॉप पे इयर रिंग्स चेक करने लगी. एंड ही वॉज लाइक ठीक है 250 ले लेना. मैंने कहा नहीं 150. सो फाइनली फिर उन्होंने मुझे 150 rupees में दे दिए एंड आई वॉज माई सेल्फ ब्लोन आउट कि भाई इतने सुंदर, मतलब लुक एट दैट. होता है कि आप लाजपत सरोजनी वगैरह से ज्वेलरी लाते हो ना, आने के बाद तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकलता है. बट इस बार क्योंकि मैं सेकंड टाइम शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने बहुत वाइसली देखा कि किसी भी चीज में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई चीज खराब तो नहीं है. सो इसमें से गोल्डन उसके साथ मेटल के साथ ब्लू कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, विच लुक सो एलिगेंट, सो प्रिटी. लिटरली अगर मैं इसको किसी अच्छे आउटफिट पर पहनूंगी ना, कोई नहीं बोल सकता है कि ये 100-150 रुपए के हैं. सो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको लाजपत नगर में, बस आपको परख होनी चाहिए ढूंढने की. और फिर लास्टली मैंने खरीदे ये वाले इयररिंग्स जो मैंने अभी तक पहने नहीं है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई थिंक DIY सॉर्ट ऑफ इयररिंग्स होते हैं ना, नीचे ऐसे ये शेल्स लगे हुए हैं एंड ये पूरा ऐसे वो जो वो वाला होता है ना रोप स्टाइल, सो वैसे टाइप का इयररिंग है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी बीची बीची सी वाइब्स दे रहे हैं. आई थिंक सम बीच डेस्टिनेशन इज कॉलिंग मी फॉर वेकेशन. नहीं, अभी वेकेशन पे थोड़ा सा रोक लगानी है. बट हाँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई थिंक आई गॉट इट फॉर ₹100. एंड इसमें ना काफी सुंदर सुंदर और भी इयरिंग्स थे, जो हैंडमेड टाइप के वर्क वाले इयरिंग्स होते हैं ना, और भी डिजाइन थे सिमिलर पैटर्न में. कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न मिल रहे थे. बट दिस इज समथिंग दैट आई लाइक एंड मुझे तो काफी अच्छा लगा. किसी भी आउटफिट पे या फिर बीची सा कुछ पहन रहे हो, ड्रेस पहन रहे हो, तो जिसपे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेसिकली उस पर ये पहन सकते हो. एंड आई थिंक फॉर 100 rupees इट्स अ ग्रेट डील. ऑलराइट माय ब्यूटीफुल पीपल, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम लाजपत नगर. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक. आपको सबसे अच्छा पीस क्या लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एंड दैट इज इट. आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय.